नमस्कार, न्यूज प्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। खबर सीकर से, जहां 11 अक्टूबर गाय गौशाला को पालन गोचर ओरन के संरक्षण तथा गाय को राष्ट्रीय धरोहर के साथ गौ दिवस घोषित करने की मांग को लेकर राजस्थान गौ ग्राम सेवा संघ सभी राजनीतिक दलों से आह्वान किया है। राजस्थान गौ ग्राम सेवा संघ व भारतीय देशी गौवंश गोचर ओरन राज्य एवं राष्ट्रीय धरोहर महाअभियान ने गाय को राष्ट्रीय धरोहर के साथ गौ दिवस को घोषणा पत्र में शामिल करने की मांग की है। बुधवार को शहर के डोलिया काबास स्थित परशुराम भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में भारतीय देशी गौवंश गोचर ओरन राज्य व राष्ट्रीय धरोहर महाअभियान के संयोजक एवं गौ ग्राम सेवा संघ राजस्थान के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सूरजमाल सिंह निमराना ने बताया कि भारतीय देशी गौवंश हमारे राष्ट्र की धरोहर है और सनातन काल से यह सनातन धर्म का आस्था का केंद्र रही है। देशी गौवंश वैज्ञानिक आधार पर स्वास्थ्य, पर्यावरण, कृषि की अधिशास्त्री रही है। गाय के कारण से भारतीय कृषि, भारत का स्वास्थ्य आज तक अक्षुण बना रहा है। इन्हें धार्मिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए गाय को राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करने की मांग करते हैं। निर्दलीय राजस्थान का जितना भी जो गोवंश है और विशेष तौर के चार जो हमारे बिंदु हैं, गाय, गोचर, गोपालन और गौशाला, गाय को, गोचर को, गौशालाओं को और गोपालक को, ये जो हमारे यहाँ प्रमुख राजनीतिक दल है भाजपा और कांग्रेस, अभी विधानसभा चुनाव चल रहे, उन विधानसभा चुनावों में अपने घोषणा पत्र में गो अधिकारों के विषय को, गाय के संरक्षण के विषय को, गोचर के संरक्षण के विषय को, गायों के विकास के संरक्षण के विषय को, गोपालन गोपालक को कैसे संभल दिया जाए, गोचर ओरण की जमीन को जो खुर्द बुर्द होने से कैसे बचाया जाए और गायों के नाम कैसे संरक्षित हो जाए, इन प्रमुख विषयों को लेकर आज ये प्रेस मीट रखी गई है। इससे पूर्व जो